आपको मतलब क्या कह रहे हैं? आप लोग तमाशा कर रहे हो, ये तमाशा कर रहे हैं। आप बात ना करें, आईजी के बिहाफ के ऊपर बातें ना करें, आप बातें ना करें, ठीक है ना? क्यों आप स्टेट की तरफ क्यों बना रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? हमारा भाईजान तुम साइड में लाइव चल रहा है, कहने वाले कि आपके मजे लगे हुए हैं, तमाशा कर रहे हैं। बच्चे कहाँ पे? 10 सालों से आपकी और मेरी बेटी अगर गायब हो जाए, हम मर जाए, तो आप इस तरह की इनसेंसिटिव बातें कैसे कर सकते हैं? हमें करने दें ना, हमने कहा नहीं है। इंतजार हो रहे हैं हम आपकी सिक्योरिटी के लिए, तनाव हम करेंगे, हम आपकी तरह नहीं है कि लोगों को मारना शुरू कर दे। हम इन स्टेटमेंट आप ना दें, आपको मारा जा रहा है, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है, मारा जा रहा है कि क्या मेरे सामने आपने कहा कि आपको यहाँ पे कैमरे पे कर रहे हैं, तो क्यों ना करें? उनका हक है, चीज पे पाबंदी है भाई। क्यों पाबंदी है? क्यों वैसे यहाँ पे सीनियर पुलिस का बंदा है क्यों नहीं? वैसे सवाल है ना, सीनियर तो बंदा बैठना चाहिए ना, एसएसपी लेवल का बंदा है कोई नहीं? कि जिस रात हम पर हमला हुआ, आप उन लोगों को ढूंढे, आप लोगों ने ये चौक जहाँ पे हर तरफ से कैमरे लगाए हैं ना, ढूंढे उन लोगों को। मैडम सीनियर की ड्यूटी बनती है ना, इस तरह का मसला तो होते रहते हैं ना, सीनियर की ड्यूटी बनती है कि यहाँ पे होना चाहिए। सीनियर नहीं है, इनको बस ऑर्डर दिए गए और यहाँ पर टेबल के नीचे वाला काम होता है। एसपी किधर है तुम्हारा? एसपी किधर है? तुमने बिठाया एसपी नहीं इधर?
तुम इस बन कर अभी नुक रहे हैं, इस पी को बुलाओ इधर, हम उसे बात करेंगे। आप खुद इधर इस पी बन कर इधर खड़ा है, आप फट जाओ, हम इधर लेके जाइए। अरे कैमरा वाला धीमा जाए। मेरे से स्टेट को बुलाए पे भाईजान लाइव मुनाजर देख सकते हैं आप, लाइव मुनाजर पर देख सकते हैं जी। वो लोग आए हम पर हमला आवर हुए और उस हमले को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने स्पीकर सिर्फ इसलिए उठाया ताकि उसको चोरी का नाम दे सके। वो कोई स्पीकर चोरी नहीं था, वो लोग हम पर हमला आवर होने आए थे, हमने थ्रेट करने आए थे और थ्रेटनिंग को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें जो रास्ते में जो चीज मिली उसको उठाकर लेकर गए। और उस सुबह ही मैंने जो है ना यहाँ की मैजिस्ट्रेट साहबा जो है उनको सबसे पहले जब पूछा उनसे कि कल रात हम पर हमला हुआ है, तो अफसोस का आलम ये उन्होंने कहा कौन सा हमला, हालांकि उसकी पुलिस यहाँ मौजूद थी। इस एरिया को हर तरफ से कैमरों ने घेरे रखा है ना, आज भी 24 घंटे गुजरने के बाद वो लोग क्यों गिरफ्तार नहीं हुए,
जिन्होंने औरतों पर बंदूकें तानी, जो आए और कम अमला आवर हुए, और हमें रात को कहा जाता है कि हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कोऑपरेशन है? इस प्रेस आप हमें इस प्रेस क्लब में बैठने नहीं दे रहे? गिरफ्तार होते कैसे, क्योंकि वो खुद ही पुलिस वाले ही थे। प्रोग्राम नहीं करते और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम इशू को सॉल्व करेंगे। आप खुद देखें कि जब इतना बड़ा संगीन मसला है, पूरा बलोचिस्तान सरापा है एहतजाज है, ये रात से 25 दिन 35 दिनों से आया है। देखिए नौ साल से हमारा बैन का हाथ उठाता है, कौन है ये? ये देखिए पुलिस है, ये इसकी सारी मीडिया के सामने इन्होंने जो बिहेवियर किया हमारे साथ, जो उनके पुलिस अफसरान ने ये कहा कि ये स्टेट है, फलान है, ठीक है ना, हम पर ये इल्जाम लगाए गए, वो इल्जाम सारे आपने मीडिया में देखे। सॉरी मैडम, आज अभी तक आप इतने दिनों से बैठी हैं, अभी तक कोई किसी जिम्मेदार आदमी ने आके कोई रात जिम्मेदार? ये देखिए, ये लोग हमें बैठने यहाँ नहीं देते, इनकी संजीदगी का आलम तो देखे आप लोग। हमलावरों को नहीं पकड़ा इन्होंने, ठीक है ना, और हमें ऊपर से तंग कर रहे हैं। वो मैजिस्ट्रेट जिसको ये नहीं पता है कि रात के 3:30 बजे यहाँ पे लोग हमलावर हुए, वो इतना इनकॉम्पिटेंट है कि उन लोगों को पकड़ सके? चारों तरफ कैमरे लगाए, औरतें यहाँ बैठी हुई है, उनके सामने उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।